बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गांव गांव के हर आंगन का प्यारा साही दर्शन। कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। नमस्कार जोहार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। ना हो परेशान, खेती बारी है आसान, बस समय का रखना है आप सभी किसान भाई बहनों का ध्यान, तभी तो आप रखेंगे एक सफल किसान। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूं गोपाल कृष्णा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। सिंचाई की समुचित व्यवस्था हेतु राज्य में चलाई जा रही है जल निधि योजना। पशुओं में कृमि का इलाज समय पर करवाएं। छोटे भूभाग में जुताई के लिए उत्तम है मिनी पावर वीडर। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के भूमि संरक्षण प्रभाग द्वारा राज्य के कृषकों को सिंचाई जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जल निधि नामक योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत मानसून पर किसानों की निर्भरता कम कर बहुफसलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई जल की समुचित व्यवस्था की जानी है। पशुओं में एक बीमारी लगती है कृमि की। पशुओं में कृमि हो जाने की स्थिति में कमजोरी, अरुचि, दस्त के अलावे उत्पान में कमी आना इत्यादि समस्याएं आती है। उचित समय पर कृमि का इलाज नहीं होने पर पशुओं की जान तक जा सकती है। कृमि के लक्षण होने की स्थिति में अल्बेंडाजोल नामक दवा देना लाभकारी होता है, साथ ही पशु चिकित्सक से सलाह भी लें। स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन, अरकाभा और अरकालो ये टमाटर के उन्नत प्रभेदों में अच्छे माने जाते हैं। टमाटर की फसल लगाने के इच्छुक किसान इन किस्मों को लगाकर लाभान्वित हो सकते हैं। किस्में गुणवत्ता युक्त और बेहतर उपज देने में सक्षम है। स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन, अरकाभा और अरकालो ये सभी टमाटर के प्रभेद अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है। ये प्रभेद मुख्य रूप से खरीफ के लगाने के योग होते हैं। इनके बुआई के लिए 500 से 600 ग्राम बीज एक हेक्टेयर भूमि में प्राप्त होता है। सिंचाई निकाय और आवश्यक उर्वरकों का प्रयोग कर इन प्रभेदों द्वारा प्रति हेक्टर टमाटर की 200 से 250 क्विंटल उपज प्राप्त की जा सकती है। जिन किसान भाइयों ने सोयाबीन की फसल लगा रखी है उसमें वर्तमान अवस्था में रस चूसने वाली सफ़ेद मक्खी लगने की संभावना रहती है, जो कि पत्तियों का रस चूसकर फसल को बहुत नुकसान पहुंचाती है। इन कीटों के नियंत्रण के लिए फसल पर इमीडाइक्लोप्रिड नामक दवा 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर 3 से 4 दिनों के अंतराल पर फसल पर छिड़काव करना लाभदायक होता है। छोटे खेत, बगीचों या कम भूभाग में जुताई करना हो तो इसके लिए बहुत ही उपयोगी कृषि उपकरण है मिनी पावर वीडर। मोटर चालित मिनी पावर वीडर बहुत ही कम समय में खेत की बुआई के लिए तैयार कर देता है। इस उपकरण को मिनी पावर वीडर कहते हैं। ट्रालीनुमा दिखने वाला यह उपकरण छोटे खेतों एवं बगीचों में जुताई करने में काम आता है। किसान इस उपकरण की सहायता से खेत की जुताई कार्य को आसानी से कम समय में खत्म कर सकते हैं। और आप एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। किसान भाइयों, आपसे अनुरोध है कि कोरोना का बूस्टर टीका भी अवश्य लगवाएं, साथ ही सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए कृषि कार्य करें, ताकि हम और हमारा देश स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ अगले अंक तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहन, कृषि समाचार में आपने देखा तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, साथ ही मौसम का हाल भी जाना और कृषि से संबंधित कुछ नई बातें भी आपको जानने को मिली। अब समय हो चला एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द आते हैं। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में
खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि, 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को SMS के माध्यम से दी जाती है। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી ખેતી કરી શકું છું। ઇસ યોજના સે મિલે લાભ તથા આવેદન કી સ્થિતિ દેખને કે લિયે પીએમ કિસાન પોર્ટલ લોન્ચ કિયા ગયા હે। ઇસ પોર્ટલ કે માધ્યમ સે પાત્ર કિસાન અપના પંજીકરણ સ્વયં કરને કે સાથ સાથ અબ તક મિલે લાભ ઓર અપને આવેદન કી સ્થિતિ ફાર્મર્સ કોર્નર સે દેખ સકતે હે। ઇસ યોજના કા લાભ પાત્ર કિસાનો કો હી મિલ સકે इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। अभी समय चल रहा है कोरोना काल का, तो कोरोना काल के समय में हम उन्हीं चीज़ों का सेवन करते हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ सके, खाने पीने में हमें पौष्टिक आहार मिल सके। इसीलिए आजकल मार्केट में काफ़ी डिमांड हो गया है बटन मशरूम का। तो हम अपने किसान भाई बहनों को आज जानकारी देंगे कि बटन मशरूम की वैज्ञानिक तरीके से खेती कैसे करें जिससे वो लाभान्वित हो सके। तो चलिए देखते हैं फीचर और लेते हैं जानकारी। आजकल मशरूम बहुत डिमांड में है। मशरूम खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। प्रकृति में हजारों तरह के मशरूम पाए जाते हैं, लेकिन सभी प्रकार के मशरूम खाने योग्य नहीं होते। इन मशरूमों में बटन मशरूम उत्पादन और आय की दृष्टि से काफ़ी आगे है। आर्थिक दृष्टि से भी बटन मशरूम की खेती किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। विशेषज्ञ कहते हैं कि किसी भी प्रकार की मशरूम उत्पादन के लिए ठंडी जलवायु ही उपयुक्त होती है। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं ICAR पलांडू में। आज हम जानेंगे बटन मशरूम की वैज्ञानिक खेती के बारे में। हमारे बीच आए हुए हैं डॉक्टर AK झा सर। तो झा सर हमें बताएंगे बटन मशरूम की खेती, वैज्ञानिक खेती के बारे में। किसान भाइयों को हमारा नमस्कार, जोहार। आज हम चर्चा करेंगे कि बटन मशरूम की वैज्ञानिक खेती हम कैसे करेंगे। जैसा कि सभी किसान भाई जानते हैं कि मशरूम जो है प्रोटीन युक्त कम कैलोरी वाला एक खाद्य पदार्थ है, जिसमें कि स्टार्च बहुत कम होता है, जिसके चलते ये डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत उपयोगी है। इसके अलावा जो है सो कोलेस्ट्रॉल भी इसमें बहुत कम पाया जाता है, जिसके चलते जो हृदय रोग से ग्रसित पेशेंट है वो भी इसको आराम से खा सकते हैं। इसके अलावा मशरूम में जो है सो काफ़ी कुछ पाया जाता है, जैसे विटामिन B12, विटामिन C और कई सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। और जहाँ तक झारखंड की बात है, झारखंड में मौसम के हिसाब से
टेम्परेचर के हिसाब से हम अलग अलग मशरूम की खेती करते हैं। जहाँ तक बटन मशरूम की खेती की सवाल है, तो बटन मशरूम जो है सो आप सभी जानते हैं कि इसको 14 से लेकर के 18 डिग्री तापमान तक हम इसकी खेती कर सकते हैं। किसान भाई जो है सो इसकी खेती 15 नवंबर से लेकर के 15 फरवरी तक अपने अपने कमरे में, जो सामान्य कमरा है उसमें, खंड में खासकर रांची में इसको बहुत अच्छा से कर सकते हैं, क्योंकि उस समय 15 से 18 डिग्री का तापमान इस मशरूम की खेती के लिए रांची में मिल जाता है। इसमें जहाँ तक इसकी खेती की बात है, तो वैज्ञानिक खेती के लिए हम लोग इसको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें कि खाद बनाना, कंपोस्ट बनाना जो है सो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और कंपोस्ट जो है सो दो तरीका से बनाया जाता है, एक लंबी विधि से, एक छोटी विधि से। जहाँ तक छोटी विधि है, तो छोटी विधि जो है सो सभी किसान नहीं कर सकते हैं, उसके लिए पास्चराइजेशन टनल की आवश्यकता होती है और थोड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। लेकिन लंबी विधि से किसान जो है, जो कि सीजनल बटन मशरूम की खेती करना चाहते हैं, वो लंबी विधि से खाद बना सकते हैं। जहाँ तक हम बताएं कि इसकी खेती 15 नवंबर से शुरू करना है, तो करीब 15 नवंबर से एक महीना पहले अक्टूबर के आसपास जो है सो इसका खाद बनाना है। बटन मशरूम के लिए 22 से 25 सेंटीग्रेड तापमान और 80 से 85% नमी की ज़रूरत होती है। बटन मशरूम उगाने के लिए कंपोस्ट खाद की ज़रूरत होती है। इसके लिए किसान भाई धान की पुआल या गेहूं के भूसे का उपयोग कर सकते हैं। लंबी विधि का खाद जब हम बनाते हैं, तो इसमें एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो है उसको मेंटेन करना है। उसमें यह है कि या तो हम 5 क्विंटल कंपोस्ट बनाएंगे एक साथ, या नहीं तो फिर 10 क्विंटल बनाएंगे। जब हम 5 क्विंटल कंपोस्ट बनाएंगे, तो 5 क्विंटल कंपोस्ट में जो है सो 4 क्विंटल पैडी स्ट्रो, जो धान का कुट्टी बोलते हैं या गेहूं का भूसा है, उसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन सोर्स के लिए हम लोग कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट 9 kg उपयोग में लाते हैं। यूरिया आप सभी जानते हैं, 3 kg यूरिया का उपयोग करते हैं। अगर हमको मिनरल्स भी चाहिए, मिनरल्स के रूप में जो है कैल्शियम हम दे रहे हैं, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट से। इसके अलावा MOP हम लोग देते हैं, फिर DAP का हम लोग प्रयोग करते हैं। DAP में नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों मिल जाता है। फिर जो है सो हम लोग जिप्सम का प्रयोग करते हैं, और नाइट्रोजन के लिए जो है सो हम लोग व्हीट ब्रान का भी उपयोग करते हैं। व्हीट ब्रान जो है सो करीब जो है तो 25 केजी लेना चाहिए, जो कि हम 400 केजी पैडी स्ट्रो लिए हैं, इसके हिसाब से बता रहे हैं। उसके अलावा जो है सो जिप्सम अगर हम लेते हैं, तो जिप्सम जो है सो 30 केजी जिप्सम का भी उपयोग करना चाहिए, और कुछ मोलासेस जो है, जो सीरा बोलते हैं, करीब 5 केजी सीरा का उपयोग करना चाहिए। अच्छी गुणवत्ता वाली कंपोस्ट बनाने के लिए इसमें कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग करें। कंपोस्ट में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 1.5 से लेकर 2.5 होनी चाहिए। कंपोस्ट बनाने के समय सर्वप्रथम भूसे को पक्के फर्श पर अथवा किसी साफ स्थान पर लगभग 1 फीट मोटी तह के रूप में फैलाकर 2 दिन तक पानी से अच्छी तरह गीला करें। सब चीज़ मिक्स करने के बाद एक ढेर बनाते हैं। ढेर में बनाने में ये भी ध्यान देना चाहिए कि ढेर का एक साइज होना चाहिए, कम से कम 5 फीट चौड़ा और 5 फीट ऊंचा होना चाहिए। लंबाई आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर 5 क्विंटल बनाते हैं तो छोटा होगा, 10 क्विंटल बनाएंगे तो लंबा ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ऊंचाई और चौड़ाई पर ध्यान देना है। जिस दिन हम ये ढेर बनाते हैं, उस दिन को हम 0 डे मानते हैं। अगले दिन से हम काउंटिंग करेंगे और करीब 5 दिन तक उस भूसे, जो हमारा ढेर बना हुआ, उसको ऐसा छोड़ देते हैं। थोड़ा सा हम पॉलीथीन से, कोई पॉलीथीन मिले तो पॉलीथीन से उसको ढक देते हैं, ताकि बाहर का कोई फफूंद या कोई चीज़ उसमें नहीं आवे और थोड़ा गर्मी पैदा हो। इसके अलावा 6ठा दिन जो है सो हम पलटाई शुरू करते हैं। करीब करीब हम टोटल 8 पलटाई करते हैं। पहली पलटाई जो है सो हम 6ठे दिन करते हैं। पहली पलटाई में ध्यान देते हैं कि जैसे बीच का परत है, बीच का परत नीचे डालते हैं पलटाई करते समय, फिर नीचे का परत जो है ऊपर डालते हैं, ऊपर का परत बीच में डालते हैं। दूसरी पलटाई इसी तरह से, इसी क्रम में जो है सो 10वें दिन करते हैं, फिर 13वें दिन जो है सो तीसरी पलटाई करते हैं। यदि मात्रा की बात करें, तो बीज कंपोस्ट खाद की वजन से 2 से 2.5% ही होनी चाहिए। 100 किलो कंपोस्ट के लिए 2 किलो बीज पर्याप्त होता है। बीज को कंपोस्ट के ऊपर एक समान रूप में फैला देना चाहिए, और इसके ऊपर कंपोस्ट की 2 से 3 सेंटीमीटर की मोटी परत चढ़ा दें। मशरूम की फसल की देखभाल की खास ज़रूरत होती है। कंपोस्ट जब केसिंग करते हैं, तो वो जो हमारा केसिंग मटेरियल है, उसको करीब 10 दिन पहले, उसमें केसिंग करने से 10 दिन पहले उसको जो है फॉर्मलिन से स्टरलाइज कर लेते हैं,
ताकि उसमें जो कीड़े फफूंद इत्यादि हो वो मर जाए। उसके बाद हम लोग उसको केसिंग करते हैं। जो आपका जो बैग था वो बैग 10 किलो का बैग था, उसमें पूरा व्हाइट जैसा माइसिलियल ग्रोथ हो गया है। अब उसके ऊपर हम मिट्टी का जो है केसिंग का मतलब हुआ मिट्टी का लेयर जो है उसको हम चढ़ाते हैं उस पर। मिट्टी का लेयर चढ़ाने के बाद जो है आप देखेंगे कि 2-4 दिन के बाद उसमें भी जो है केसिंग मटेरियल में भी व्हाइट जैसा माइसिलियल ग्रोथ हो जाएगा। करीब 7 दिन ऐसा लगेगा। और जब आप केसिंग मटेरियल डालते हैं उसके ऊपर थोड़ा नमी जो है सो नमी डालते रहना चाहिए, और नहीं हो तो पेपर से उसको ढक देना चाहिए ताकि वो नमी उड़े नहीं। फिर आप देखेंगे कि 7 दिन के बाद पिनहेड जैसा छोटा छोटा मशरूम, बटन मशरूम का छोटा छोटा भाग निकलना शुरू होगा। फिर आप पानी देते रहेंगे, मॉइस्चर मेंटेन करेंगे, तो 2-3 दिन के बाद जो है सो आपको बटन मशरूम उसमें निकलना शुरू हो जाएगा। जो पूरे प्रक्रिया था उस प्रक्रिया में अगर आप बात करेंगे तो 10 केजी का जो हम बैग बनाए उस 10 केजी के बैग से आपको करीब 4 बार में है ना करीब ये पूरे 2 महीना का साइकिल है कंपोस्ट बनाने का छोड़ करके। कंपोस्ट बनाने में 1 महीना लगता है, इधर 2 महीना में आपका फलन होता है। ये फलन 4 बार आप उससे फल ले सकते हैं। टोटल आप काउंट करेंगे तो 10 केजी के बैग से करीब 2 केजी, 1.5 से 2 केजी आपको मशरूम मिलेगा। अगर हम कॉस्ट की बात करें, आमदनी की बात करें, तो इसमें जो है सो आप जो बैग बनाए हैं उसमें अगर आपको 70-80 रुपया अगर आपको टोटल खर्चा 80 रुपया के आसपास आएगा एक बैग बनाने में। और इससे अगर आप 1.5 से 2 केजी अगर मशरूम उत्पादन करेंगे तो आपको लगभग 200 रुपया जो है सो प्रति बैग आपको टोटल ग्रॉस इनकम जो है टोटल आमदनी जो है सो 200 रुपया होगा। इसका मतलब आप नेट इनकम आपको 100 से 125 रुपया शुद्ध आमदनी आपको प्राप्त होगा। तो अभी आपने देखा बटन मशरूम के वैज्ञानिक तरीके से खेती कैसे करते हैं। आशा करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, इस जानकारी से आप काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको देते हैं अपनी दूसरी जानकारी। हमारी दूसरी जानकारी है कुल्थी की खेती। कुल्थी एक दाल है जो काफ़ी पौष्टिक है और काफ़ी पौष्टिक मात्रा इसमें मजबूत है। प्रोटीन की मात्रा काफ़ी मौजूद है इसमें जो हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी ही अच्छी है। तो आज हम आपको जानकारी देंगे कि कुल्थी की खेती कैसे करें जिससे आप लाभान्वित हो सके। तो चलिए मिलते हैं विशेषज्ञ से और लेते हैं जानकारी। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम कृषि विज्ञान केंद्र दुमका में हैं और हमारे साथ हैं यहाँ के वैज्ञानिक श्री ओम प्रकाश मिश्रा जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कुल्थी की वैज्ञानिक खेती हमारे किसान भाई किस प्रकार से कर सकते हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे किसान भाई अगर कुल्थी की खेती करना चाहें वैज्ञानिक ढंग से तो उसके लिए क्या करें। सबसे पहले तो कुल्थी लगाने का समय अगस्त से सितंबर माह है ना, उसके लिए सबसे ज़रूरी है उचित खेत का चुनाव। कुल्थी की खेती जनरली खरीफ सीजन में जो परथी जमीन छूट जाता है, ऊपरी ज़मीन जो बंजर टाइप का होता है, उस ज़मीन पे हम लोग कुल्थी की खेती कर सकते हैं। सही ज़मीन चुनाव के पश्चात हम लोग खेत की तैयारी पे आते हैं। खेत की तैयारी के लिए कम से कम 3 बार जुताई करके अच्छे से पट्टा लगाए जाने से उसमें रोपना बहुत अच्छा होता है। लेकिन ध्यान रखें किसान भाइयों कि 2 जुताई के पश्चात उसमें 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर खाद का छिड़काव कर दें और इसके बाद 3रा जुताई करके पाटा लगाएं, जिससे गोबर खाद खेत में अच्छी तरह से मिल जाता है। अब आते हैं खेती के लिए उत्तम बीज का चुनाव। बीज में आप उत्तम प्रभेद का बीज यदि प्रयोग करते हैं तो उपज आपका 5 से 10% ऐसे ही बढ़ जाता है। किसान भाइयों जनरली करते क्या हैं कि देसी बीज का प्रयोग करते हैं, जो एक ही उपज हुआ बीज हर साल लगाते हैं, जिससे उपज दर बहुत कम हो जाता है। तो इसके लिए आप उत्तम प्रभेद में बिरसा कुल्थी 1, इंदिरा कुल्थी 1, VLG 19 और मधु, ये सब प्रभेद जो है झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छा उपज देने वाला प्रभेद है, इन सबों का प्रयोग कर सकते हैं। अब ये आपको बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में ये सारे बीज उपलब्ध हो जाते हैं, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं बीज दर। बीज दर इसमें आपका 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज का प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों बीज लगाने से पहले आप इसका बीजोपचार जरूर करें। बीजोपचार के लिए 2 तरीका है, एक तो आप फफूंदी नाशक दवा वेवेस्टीन 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से प्रयोग कर सकते हैं। इसमें वेवेस्टीन जो है बीज में मिला देते हैं और थोड़ा सा पानी छिड़क के उसको हाथ से पूरा मिला देते हैं, जिससे कि दवा बीज में अच्छी तरह से मिल जाए। इस तरह से आप उसका उपचार करते हैं। और दूसरा होता है राइजोबियम कल्चर, ये एक जीवाणु खाद है।
ये जो प्रयोगशाला में बनाया जाता है, जनरली दलहनी फसलों के जड़ में एक गांठ होता है जिसमें राइजोबियम जीवाणु होते हैं, जो वातावरण से नाइट्रोजन लेकर के और पौधा तक पहुंचाते हैं, जिससे पौधा खुद ही अपना नाइट्रोजन ले लेता है। यानी नाइट्रोजन मुख्य रूप से यूरिया ही होता है। अगर हम लोग प्रयोगशाला में बना राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करते हैं तो उससे वातावरण से नाइट्रोजन लेने की क्षमता पौधों में 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष की दर से बढ़ जाता है। ये 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो आप नाइट्रोजन देख रहे हैं, इसमें अगर किलो के हिसाब से निकाला जाए तो 85 से 110 किलोग्राम नाइट्रोजन यूरिया के बराबर इसमें वातावरण से नाइट्रोजन ये पौधा ले रहा है। अब आते हैं हम लोग राइजोबियम कल्चर का प्रयोग कैसे करें पौधों, मैंने बीज उपचार के लिए। इसमें क्या कीजिए, 200 ग्राम गुड़ ले लीजिए और इसमें 1 लीटर पानी में 15 मिनट तक उसको पूरा खोलाइए। जब घोल बन जाए, घोल को ठंडा करने के पश्चात उसमें 2 पैकेट राइजोबियम कल्चर डाल दीजिए और ये 2 पैकेट करीब 1 हेक्टेयर में 1 एकड़ में जितना बीज लगता है उसके लिए काफ़ी होता है। उस घोल को ठंडा करने के पश्चात राइजोबियम कल्चर डालते हैं और इसके बाद उसको बीज में अच्छी तरह से मिला देते हैं। बीज में मिलाने के पश्चात छाया में सूखा कपड़ा पे या अखबार पे उसको 15 मिनट तक सुखाने के पश्चात हम लोग उसको, मैंने वो बीज रोपने के लिए तैयार है आपका। बिल्कुल, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर हमारे किसान भाई खेत में लगाते हैं तो खेत की तैयारी कैसे करें और साथ में कितनी दूरी पर इसको लगाएं? हाँ, खेत की तैयारी के लिए तो आपको एक तो पहले हम बता चुके हैं कि 3 जुताई करने के पश्चात आपका खेत तैयार है। और दूरी की जहाँ तक बात है तो कतार से कतार 30 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा 10 सेंटीमीटर की दूरी पे कुल्थी का फसल लगाना चाहिए। फसल लगाते समय इसमें उर्वरक का भी प्रयोग करना जरूरी है। उर्वरक के लिए आपको 20 किलोग्राम यूरिया, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटास और सल्फर भी 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसमें प्रयोग करना चाहिए। तो रोपने के समय ये देना है, लेकिन इसमें अगर आप थोड़ा सा उर्वरक बचा कर रखें और पहला निकाई गुड़ाई 20 दिन में होता है कुल्थी का, तो उस समय निकाई गुड़ाई के समय भी अगर थोड़ा बीज थोड़ा खाद यदि आप उसमें डालते हैं तो उस समय जड़ जब हल्का रहता है उस समय खाद देने से थोड़ा उर्वरक क्षमता बढ़ती है ना। और दूसरा निकाई गुड़ाई आप करीब 35 से 40 दिन बाद करें। 2 निकाई गुड़ाई के पश्चात आपको फसल का बढ़वार बहुत तेज़ी से होने लगता है। इसके बाद आपको बस ये ध्यान रखना है कि कोई कीड़ा का प्रकोप तो नहीं हो रहा है उसमें। अगर होता है तो आप इसमें आप इमिडाक्लोप्रिड एक इंसेक्टिसाइड है उसका प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल, एक चीज़ अभी आपने जहाँ तक बात की कीड़ा के बारे में, हाँ, तो इसमें आमतौर पर कौन कौन से कीड़े लगते हैं और बीमारियाँ होती हैं? ऐसे कुल्थी एक सुखारोधी पौधा होता है और इसमें खुद ही औषधीय गुण होता है, इसमें ज़्यादा कीड़ा नहीं लगता है, लेकिन पत्ता उत्ता में कुछ कीड़ा लगता है तो आप उसके लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, और देखभाल में क्या आवश्यकता है? ये बहुत ही अच्छा एक तरह से कहिए फसल है, इसमें बहुत ज़्यादा निकाई गुड़ाई कर लिए और अगर फिर से दोबारा कभी घास हो तो उसको निकालिए। चूँकि ये करते करते ही आपका 40 से 45 दिन बीत गया और ये पौधा तैयार हो जाता है 90 से 110 दिन के बीच में तैयार हो जाता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। करीब 90 दिन के आसपास ये इसका छेमी जो है सो भूरा होने लगता है, समझिए कि आपका फसल पकने लगा और पौधा पीला होने लगता है, समझिए फसल पक के तैयार है। इसके बाद उसको काट करके आप अच्छी तरह से सुखा करके और दौनी करें और जब दौनी के पश्चात जो अनाज बचता है आपका उस अनाज निकलता है उसको आप अच्छी तरह से सुखा करके भंडारण करें। उपज दर जो होता है प्रभेद के हिसाब से, जो थोड़ा मान लीजिए 90 से 95 दिन में पकता है उसका थोड़ा उपज कम होता है, जो 110 दिन में पकेगा उसका उपज थोड़ा ज़्यादा होगा, प्रभेद के हिसाब से थोड़ा सा अलग अलग भरी करता है। तो किसान भाई बहन, आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको कैसी लगी? आशा करते हैं आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है हमें देने के लिए, हमसे कोई जानकारी लेनी है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 8340001। इसी के साथ मुझे शिखा स्वरूप को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।
हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की, हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा साही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।